हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। 3.2 से पहले जो भी बेसिक काम आएगा वो सब हम करने जा रहे हैं। इसमें चार तरह के आपके, सबसे पहला है एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एडिशन होने के लिए सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए भी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये दो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो आपको पता लग रहा है, देखो, टू फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होएगा, तो 2 + 4 इजिकल टू कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐड करना है दो मैट्रिक्स का सम। जैसे आप ऐड करते हैं नॉर्मली उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन भी इसके जैसे ही करेंगे, जैसे 5 में से इस ऊपर वाले 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेम एलिमेंट A11 जो है वो दूसरे एलिमेंट के B11 से जुड़ेगा, A12 B12 से जुड़ेगा, A21 B21 से जुड़ेगा, ऐसे। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। अगर ये आपको समझ आ गया तो मतलब पूरा चैप्टर समझ आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, दो मैट्रिक्स, जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × p है, दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p × n है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल हो, यानी m × p, और इधर p × n आना चाहिए। जैसे 2 × 3 का ऑर्डर a का है, और आगे 3 × 2 3 × कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 × 2, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अदरवाइज उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। मतलब क्या है, ए शुरू वाले मैट्रिक्स की रो और लास्ट वाले मैट्रिक्स के शुरू वाले मैट्रिक्स के कॉलम और लास्ट वाले मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये दे रखे हैं, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3, तब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिकॉज 2 × 2 ये तो पहले वाले का ऑर्डर है, और ये आ जाएगा 2 × 3। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, और नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 3 की बनेगी। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से सीखिए। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, यानी A11 का करना है B11 से, और A12 का करना है B21 से। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा नई मैट्रिक्स का, ध्यान से सीखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो नया 2 × 2 का ही बनेगा, ठीक है। अब ये देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 और 4 × 6, यहाँ 4 आएगा, ये यहाँ पे 3 है, इधर 3 है, देखो 3 × 6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 × 4 और 3 × 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर
जैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब है, जैसे आप ये देखो बी टू इंटू टू का मैट्रिक्स आप ऐसे बनाएंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। तो वन वन का मतलब है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, वन टू का मतलब है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से, टू वन का मतलब है सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, और टू टू का मतलब है टू सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से। जैसे टू टू अपने को लाना है तो ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच में प्लस आता है, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मल्टीप्लाई करना। अगर किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है तो इट मीन उसको ये सारा चैप्टर आता है। तो अपने क्वेश्चन करेंगे, ये एग्जांपल जरूर करके देखना अपनी कॉपी पे, और ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने के लिए ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव से, जैसे फाइव को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से, तो फाइव जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखो ए है, ए को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री जो है वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे मान लो दो मैट्रिक्स का सम ए प्लस बी इजिकल टू हमेशा बी प्लस ए होगा, चाहे आप करके देख लीजिए, ठीक है। एसोसिएटिव में ये प्रॉपर्टी लगती है, ये तीन लेना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं अपने, तो ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव हमेशा इक्वल नहीं होता, जैसे ए इंटू बी और बी इंटू ए करके देखिए, वो इक्वल नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं होता, बट कम्यूटेटिव ऐड के लिए तो इक्वल होता है, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वो ये क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे आपको पता है मल्टीप्लाई करो, जैसे ये थ्री इंटू थ्री की है, ये थ्री इंटू थ्री की है, तो थ्री इंटू थ्री की है, ये भी थ्री इंटू थ्री की है, ये कट हो जाएगा, तो थ्री इंटू थ्री की बनेगी। अब देखो थ्री इंटू थ्री की कैसे बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, जैसे थ्री वन जा थ्री, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, आई थ्री का मतलब है ये तीन रो वाला और तीन कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स, यानी वो ए इंटू बी इजिकल टू आई है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहेंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और एक डेफिनेशन और है जीरो डिविजर, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है तो उसको बोलते हैं जीरो डिविजर्स, क्या बोलते हैं, जीरो डिविजर्स। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है बी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वेयर अपने ऐसे कर सकते हैं, जैसे ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए को वापस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए की मैट्रिक्स को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ए क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो, उसको वापस ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन, ये आपके 3.2 के सारा बेसिक था। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दो या तीन कम से कम फ्रेंड्स को बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने करेंगे एग्जाम्पल्स, थैंक यू।